ये आज का न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली का एडिशन है, जिसमें पेज नंबर 12 के ऊपर एक न्यूज आई हुई है कि कोटा में इस साल 30 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। हर साल करीब करीब 13 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए, और सीट्स कितनी है? सिर्फ 10,000। अगर इस प्रॉब्लम का हम सब मिल करके जेन्युइनली एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो ये नहीं है कि हम बच्चों को बोले कि आप कॉम्पीट करो कॉम्पीट करो कॉम्पीट करो, क्योंकि वो चाहे जितना भी कॉम्पीट कर लें, रियलिटी क्या है कि लाखों में से सिर्फ कुछ को ही एडमिशन मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। अब किसकी एबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, इसको जज करने का कोई हमारे पास में टूल नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम पहले से जज कर सके कि इस बच्चे में इतनी एबिलिटी है भी कि वो टॉप 10,000 में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। मतलब हम उनके ऊपर प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दें, लेकिन अगर वो टैलेंट ही नहीं हुआ, वो एबिलिटी ही नहीं हुई, तो एक बात पक्की है राइट फ्रॉम डे वन कि उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला। और ये हर उस करियर ऑप्शन में है जिसके पीछे दुनिया पागलों की तरह भाग रही है, सब भाग रहे हैं आग लगा के, ऊपर से पेरेंट्स का भी प्रेशर है तुझे भी यही करना है, अंदर से उसके भी यही प्रेशर है कि मुझे भी यही करना है, क्योंकि सब मुझसे यही चाहते हैं, तो मुझे सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। मुझे अगर सोसाइटी में अपनी एक जगह बनानी है तो मुझे कुछ ऐसा अचीव करना ही होगा, नहीं तो ये सोसाइटी मुझे ढंग से ट्रीट नहीं करेगी। हमको अपनी इस सोच को बदलना होगा। सोच क्या बन गई है इस पूरी की पूरी सोसाइटी की, हम पेरेंट्स की, सबकी सोच क्या बन गई है? एक टिपिकल मिडिल क्लास मेंटेलिटी क्या हो गई है कि अगर जो मेरा बच्चा है उसका इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है तो इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब उसकी लाइफ बन गई, और अगर नहीं होता तो उसकी लाइफ बिगड़ गई। ये एक मेंटेलिटी है कि यही वो करियर ऑप्शंस हैं जहां से वो बच्चा आगे लाइफ में बढ़ सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है फाइनेंशियल, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बिल्कुल यही सोच उन बच्चों की बनी हुई जो इस हद तक जाने की सोच रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या सोच है, क्यों वो सुसाइड कर रहे हैं, क्यों वो डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो यही एक दरवाजा है, ये दरवाजा बंद हो गया, इसमें क्या हो रहा है, इस दरवाजे में घुसने के लिए 13 लाख लोग ट्राई कर रहे हैं उस दरवाजे में घुसने के लिए, उसमें से घुस कितने पाएंगे? सिर्फ 10,000। बाकियों क्या होगा, उनके दिमाग में क्या बैठ जाएगा, ये पूरी सोसाइटी उनके दिमाग में क्या बिठाएगी, उनके खुद के दिमाग में क्या बैठेगा कि मैं फेल हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, आई एम अ लूजर। और कोई भी एक लूजर बनना नहीं चाहेगा, सिर्फ वो बच्चा ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी लूजर बन के नहीं जीना चाहेगा। तो इसकी जड़ क्या है? वो है एक गलत सोच कि यही एक दरवाजा है, कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है बस यही एक कॉलेज है, इसमें एडमिशन हो गया तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो आप एक फेलियर हो। बकवास सोच है, बेवकूफों वाली सोच है। आपको ऐसे में लाखों एग्जांपल्स इंडिया में दिखा सकता हूं जो इन कॉलेजेस से नहीं निकले हैं और बहुत सक्सेसफुल है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इनफैक्ट इन कॉलेजेस से जो लोग निकले हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूं। तो हमें करना क्या है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपने दिमाग में ये बिठाना होगा जो मैं बात बोलने वाला हूं, इसको अपने अंदर तक जाने देना होगा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हो, कि अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है, इससे बेटर ऑप्शन भी है। ये जो सोच है कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इसके ऊपर लगा हुआ एक क्वेश्चन मार्क, दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। I challenge anybody and everybody जो कहते हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन वो हमें कब दिखेंगे, कब पता लगेगा हमको उन बेटर ऑप्शंस के बारे में, कब हमारा ध्यान जाएगा उनकी तरफ, जब हमारा ध्यान यहां से हटेगा तो हमको नजर आ जाएगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं कुछ ऐसे से काम करके जो हमने सोचा भी नहीं होता सकते। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सब लोगों ने बोला ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसने क्या किया, देखो कितना सिंपल आइडिया है, एक्सट्रीमली सिंपल। अभी सुनने में आपको इतना सिंपल लगेगा, आप कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, बट यही तो ये सोच है जो उसको सक्सेसफुल बना रही है। काम सक्सेसफुल नहीं बना रहा है, काम तो एक नहीं है, हजार है, आदमी की सोच ही नहीं जाती, भेड़ चाल से बाहर आदमी सोच ही नहीं सकता। ये हालत है ज्यादातर लोगों की, ये जो झुंड है इससे अलग हट करके हमारा दिमाग चलता ही नहीं। उसने चला दिया, उसने क्या किया, उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछा, सिंपल सा सवाल, और ये मैं बता रहा हूं जहां से उसकी शुरुआत हुई और आज की डेट में वो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। कैसे,
उसने कहा कि यार यूएस के अंदर और यूके के अंदर बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो इंडियन यानी कि एथनिक ज्वेलरी पहनना चाहती है, कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट वो पहनना चाहती है, इमिटेशन मतलब कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो चाहती हैं पहनना, लेकिन वहां पर इतने ऑप्शंस नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, ebay.com पे जाकर के, .in पे नहीं, .com पे जाकर के अपना एक अकाउंट क्रिएट किया और यहां बैठे बैठे दिल्ली में ही बैठे बैठे, पुरानी दिल्ली में गया, ओल्ड दिल्ली में, वहां पे एक होलसेल मार्केट है इमिटेशन ज्वेलरी की, वहां से ज्वेलरी परचेज करी, उसके कुछ बेसिक से शॉर्ट्स निकाले और उठा करके ebay.com पे लिस्टिंग करनी शुरू कर दी। करता रहा, वहां से धीरे धीरे कुछ ऑर्डर्स आने शुरू हुए। बैठा इंडिया में है, कर क्या रहा है, होलसेल मार्केट से ज्वेलरी खरीदी और कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं खरीदा, लिमिटेड स्टॉक खरीदा और उसको खरीद करके लिस्ट किया। वहां पर लोगों ने देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, इसने इमीडिएटली ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया। आज की डेट में ही इज अर्निंग क्लोज टू अराउंड 12 से 15 लाख रुपए एक साल का। क्या किया उसने, क्या ऐसे कंपटीशन में कॉम्पीट किया जहां पर 13 लाख लोग कॉम्पीट कर रहे थे, दिन रात पढ़ रहे थे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना बुरा है, अगर आपका पैशन है, अगर पैशन भी छोड़ो, पैशन तो कितने लोगों का होगा पढ़ाई में, पैशन को भी छोड़ो, अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं दिन में 8 घंटे 10 घंटे लग करके पढ़ सकता हूं, दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में अंदर से पढ़ सकता हूं, तो पढ़ो ना। तो आपके लिए IIT IIMs और ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकता भाई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ना मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, हाँ लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहां पर मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मे बी बिजनेस में, मे बी किसी और चीज में, तो वो मैं कर सकता हूं, तो वो करो ना, कौन रोक रहा है आपको, क्यों एक ऐसी रेस में भागना है जहां पर आपको पहले से ही पता है कि आप हारने वाले। देखो प्रॉब्लम यहां पर वो लोग नहीं है जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल है, मान लो 50,000 लोग ऐसे हैं यहां पे जो इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं जिनके अंदर जेन्युइनली पोटेंशियल है, तो इन 50,000 में से 10,000 का हो गया, बाकी 40,000 का नहीं हुआ, तो ये 50,000 लोग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बाकी के लोग, बाकी के लोग जिनको इस रेस में भागने से पहले ही पता होता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। ऐसे बच्चे होते हैं जो सुसाइड ऑर्डर करने के बारे में सोचते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी जड़ क्या है, जड़ एक ही है, कॉम्पिटिशन। जहां कॉम्पिटिशन होगा वहां डिप्रेशन होगा, बट ऑफ सिर्फ पढ़ाई में नहीं, किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, अगर बहुत स्ट्रांग कंपटीशन क्रिएट कर दिया जाए आपकी कंपनी में ही, आपके साथ में उन सब एम्प्लॉयज के बीच में, तो क्या होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही ज्यादा टेंशन होगी, जितनी ज्यादा टेंशन होगी उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होगा। आज की डेट में इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बस सोच चाहिएगा, सोच ऐसी चाहिए जो थोड़ा सा अपना ध्यान उन जगहों से हटा सके जिन जगहों की तरफ सब भाग रहे हैं, तो उसको कुछ ऐसी जगहें दिखेंगी, कुछ ऐसे दरवाजे नजर आएंगे जो खाली पड़े हैं, जिसको कोई देख तक नहीं रहा है, उसके अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप में हिम्मत है, करेज है, मैं कहता हूं हिम्मत भी नहीं चाहिए, करेज भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी सोच चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि इस दुनिया में यही चार दरवाजे हैं, करोड़ों लोग हैं, क्या सबने यही किया है, तो बाकी लोगों क्या हुआ, वो सब क्या भूखे मर रहे हैं, सबने सुसाइड कर लिया, सब डिप्रेशन में चले गए, क्या वहां पर कोई सक्सेसफुल नहीं है, है ना, कैसे हो पा रहे हैं। इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझोगे तो वो ये है कि सिर्फ ये चार दरवाजे नहीं है जिसके पीछे लाखों लोग भाग रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे दरवाजे हैं कहीं पर छुपे हुए साइड में, सब इधर देख रहे हैं घोड़े की तरह, जैसे शादियों में घोड़े होते हैं ना, उनके यहां पर वो लगा दिया जाता है कि वो इधर और उधर ना देख पाए, सीधा चलते रहे बस। तो अब अगर आप कुछ देर के लिए हटा पाओ और साइड में देखोगे,
तो आपको ऐसे बहुत सारे दरवाजे दिखेंगे, सिर्फ चार पांच नहीं, ऐसे हजारों दरवाजे दिखेंगे जिनकी तरफ कोई देख तक नहीं रहा है। कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है, जिनकी तरफ कोई देख तक नहीं रहा है, खाली पड़े हैं। उस दरवाजे को आपको खोलना है, उसके अंदर घुसना है, और उसके बाद में जो अपॉर्चुनिटीज है वहां पर, दोज आर इनफाइनाइट। एक बार देखने की कोशिश तो करो। अरे भैया इधर उधर मुंह घुमा करके देखो तो सही कि और दुनिया में जो इतने सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उसमें से कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो आपकी स्ट्रेंथ से रिलेट हो रहा है, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी वीकनेस है, बाकी किसी और की स्ट्रेंथ है, और आप लाखों लोगों के साथ उसमें कॉम्पीट कर रहे हो, उससे क्या होगा, आप हारोगे ही हारोगे। दूसरी तरफ से अगर आप कुछ ऐसा करो जो आपकी स्ट्रेंथ है, और ऊपर से एक ऐसा दरवाजा ढूंढ लो, कोई ऐसा करियर ऑप्शन ढूंढ लो जिसकी तरफ दुनिया देख ही नहीं रही है, मतलब जीरो कंपटीशन, तो क्या होगा, आप खोल के देखो, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। इंटरनेट पर जा करके पढ़ो ऐसे लोगों के बारे में, देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनको स्कूल में घुसने तक के लिए मना कर दिया था, मैं कॉलेज की तो बात ही नहीं करता कि वो मेंटली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों ने हिस्ट्री पलट के रख दिया पूरी पूरी दुनिया की, और आप किस वजह से दुखी हो रहे हो, ये कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। अरे क्या हो गया, नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये कोई एंड नहीं है भाई, बहुत कुछ है आगे करने के लिए। तो हमें एज अ पेरेंट क्या करना है, एज अ सोसाइटी क्या करना है, हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के दिमाग में ये भरा जाए कि ये चार ही रास्ते नहीं है सक्सेसफुल होने के, अरे 4000 रास्ते हैं, अनलिमिटेड रास्ते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं। अगर कोई लिमिटेशन है तो वो बाहर नहीं है, इन रास्तों में नहीं है, इन दरवाजों में नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है। माइंड में हमने बना लिया है कि बस यही ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन में मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं एक विनर हूं, नहीं तो मैं एक लूजर हूं, इनमें मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे आगे जाकर के बहुत पैसा मिलने वाला है, अगर नहीं हुआ तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, मुझे घर बैठना पड़ेगा। ये सब कौन भर रहा है इन बच्चों के दिमाग में, अगर हम सब मिल करके अगर नहीं भर रहे हैं तो कौन भर रहा है, कौन ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और कौन तोड़ेगा इस प्रेशर को, कौन तोड़ेगा, हम ही तोड़ेंगे ना, ये सोसाइटी मिल करके ही तोड़ सकती, और कौन तोड़ेगा। फाइनली अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से, चाहे प्रेशर की वजह से, चाहे फेलियर की वजह से, चाहे एडमिशन ना होने की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपके अंदर सुसाइड करने का थॉट भी आ रहा है, तो मेरी इस छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो कि अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो उससे क्या आपकी और आपकी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी या कम होंगी। दूसरी तरफ से अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते, इन थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और अपने अंदर से बोलते हो कि कोई बात नहीं ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने आप को खत्म कर लिया, ये नहीं हुआ तो मैंने ये किया, ये नहीं हुआ तो मैंने ये किया, ये नहीं हुआ तो मैंने ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद में मैं एक विनर की तरह इमर्ज होकर के बाहर आया। पूरी दुनिया को लग रहा था आप हार मान जाओगे, पूरी दुनिया को लग रहा था आप फेल हो जाओगे, पूरी दुनिया को लग रहा था आप किसी काम के नहीं, और फिर भी आप कुछ ऐसा कर जाओगे, आप पूरी की पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओ, उसको सक्सेस बोलते हैं। दैट इज सक्सेस, दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है कि जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, चार बार नहीं हुआ, पांच बार नहीं हुआ, दस बार नहीं हुआ, जितनी देर में दुनिया हिम्मत हार जाती है, टूट जाती है, सुसाइड करने के बारे में सोचने लग जाती है, आप हार नहीं माने, और फाइनली फिर आप कुछ ऐसा कर गए, इन 10 फेलियर्स के बावजूद कुछ ऐसा कर गए जो और लोग सपने में भी करने का नहीं सोच सकते, अगर आप ये कर पाओ तो आप एक रियल सक्सेस, और आप ये कर सकते हो क्योंकि आप में, मुझ में और उन सब लोगों में जो एक कर गए कोई फर्क नहीं है, जो फर्क है वो सिर्फ यहां पर है
सोच में है। अगर आप ये सोच सकते हो जो चीज मैं बोल रहा हूं, तो आप ये कर सकते हो।